नागपुर में जब से पुलिस कमिश्नर डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय इन्होंने कमान संभाली है, तब से शहर का अपराधी ग्राफ कम हुआ है। धनतोली थाने में इस वर्ष 64 वारदातें कम हुई है, ऐसी जानकारी पीआई पाटिल ने दी है। यूं तो नागपुर शहर का नाम कई नामों से जाना जाता है, इसमें एक नाम अपराध जगत भी जुड़ गया था, लेकिन जब से पुलिस आयुक्त डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय इन्होंने इस शहर की कमान संभाली है, तब से शहर के अधिकांश पुलिस थाने में आपराधिक ग्राफ कम हुआ है। इस बारे में धनतोली के पीआई पाटिल इन्होंने इनबीसीएन के समक्ष जानकारी दी है। दर्शकों नमस्कार, इस समय में हम धनतोली पुलिस थाने में है और हम आपको बता दें कि कुछ ही घंटे के बाद नए साल का आगाज होगा। आगाज होने से पहले पिछले साल में क्या क्या शिकायतें दर्ज हुई है इस थाने में, क्या कहता है ये रिकॉर्ड, आइए एक नजर डालते हैं। धनतोली पुलिस स्टेशन नागपुर शाखा गुनाचा तख्ता नाम का ये एक बोर्ड लगा हुआ है, जहां पे ये तमाम जो ऑफेंस हुए है इसके बारे में जानकारी दी गई, यहां आंकड़े भी है। इस समय में हमारे साथ में पीआई धनंजय पाटिल साहब है, उनसे जानना चाहेंगे। पाटिल साहब, ये बताइए कि इस वर्ष, अब ये नया वर्ष लगने वाला है, लेकिन इसके 2019 की मैं बात करूं तो कितने ऑफेंस अब तक के हुए हैं, किस किस प्रकार के हुए हैं, क्या कमी आई है या बढ़ोतरी हुई है? इस साल पिछले साल के इससे तकरीबन 64 ऑफेंस धनतोली पुलिस स्टेशन में कम दर्ज हुए हैं। गुने का प्रमाण बहुत ही घट चुका है। इसका कारण माननीय सीपी साहब का जो आरोपियों के ऊपर वॉच रखना कंटिन्यूअस, कोई भी जो है आरोपी खुला नहीं रहना चाहिए, ऐसे सख्त आदेश उनके हैं और उनके आदेश के अनुसार जो काम चालू है उसकी वजह से गुनों में बहुत ही घट आई है। और जो नाकाबंदी वगैरह कंटिन्यूअस चल रही है उससे रोड रॉबरी वगैरह वो गुनों में भी बहुत इस साल कमी आई है। और जिस प्रकार से जैसे कि संतोष आंबेकर हो गैंगस्टर या और भी कोई गैंगस्टर होंगे, क्या उनके ऊपर कार्रवाई होने से ये कमी आई हुई है, ऐसा लगता है आपको? हाँ, वो जो है नामचीन जो गुनेगार थे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की गई है पुलिस डिपार्टमेंट नागपुर पुलिस के द्वारा, इससे गुनेगारों में दहशत फैल गई है और पुलिस का रोब फिर से जारी हो गया है, तो वो तो बहुत मेन कारण है। सर, नए वर्ष का आगाज होने वाले हैं, क्या कहना चाहोगे आप लोगों को जो वाहन चलाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं? तो अपने कानून के अनुसार ही सब लोगों ने चलना चाहिए। दारू पी के गाड़ी चलाना ये कानूनी अपराध है, ट्रिपल सीट वो अपराध है, बिना हेलमेट चलना अपराध है, लोगों ने ध्यान रखना चाहिए उनके, इससे इसके लिए अच्छा है कि हेलमेट पहनना, तो ये सारी बातें है, कानून के अनुसार चलना चाहिए पब्लिक ने। और इंटरनेट द्वारा जो फसवणूक चल रही है अभी उसके बारे में भी लोगों ने सावधान रहना चाहिए, जो भी पूछा जाता है, कोई किसका फ़ोन आता है बैंक से बोल रहा हूँ ये अलग अलग फंडे यूज़ कर रहे हैं, तो उसको सरेंडर नहीं होना चाहिए, लोगों ने खातरी करना चाहिए। कोई बैंक पूछता नहीं कि आपका अकाउंट नंबर क्या है वगैरह, वो कुछ भी मालूम नहीं देना चाहिए, उसके बारे में तुरंत ही नज़दीक के पुलिस स्टेशन को खबर कर देना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। तो आप थे पुलिस अधीक्षक धनंजय पाटिल, जिन्होंने बात करते हुए ये बताया कि आए दिन सोशल मीडिया के ऊपर से कुछ ऐसी भी खबरें आती है कि आपको बहुत बड़ा गिफ्ट लगा हुआ है या आपके बैंक का अकाउंट क्या है, ये जो जालसाजी जो होती है इस प्रकार की होती है, लोगों को इसके लिए उन्हें लिया जाता है और फिर लोगों को एक बुरकता कैसे बनाया जा सकता है इसके उनका पूरा ध्यान रहता है, लोगों की लूटमार जो होती है इसी की वजह से होती है। और खास बात तो ये है कि धनतोली पुलिस थाने में जिस प्रकार से पाटिल साहब ने कहा कि 64 जो गुना है वो कम है पिछले वर्ष तुलना में, यानी कहने का मतलब कि शहर में जिस प्रकार से जो क्राइम का जो ग्राफ है वो दिन ब दिन कम होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि पुलिस का पूरी तरह से जो गुनाहगार है उनके ऊपर में नियंत्रण दिख रहा है। नागपुर के धनतोली पुलिस थाने से कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मिरे, इनबीसी न्यूज़।